हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे लव म्यूजिक क्रिटिक में फिर से स्वागत है। जो टीम आज को पिक लेके आए राजस्थान का एकीकरण, ठीक है, कितना हार्ड है देख लेना, बहुत सरल सा है। ठीक है, क्या है, बहुत ही सरल सा है। इसको करेंगे अपने ट्रिक के साथ यार, क्या करेंगे ट्रिक के साथ, बस ध्यान यहाँ रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, हाथों हाथ याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण का क्या मतलब है, एकीकरण का मतलब है साथ साथ, मतलब इकट्ठा करना, राजस्थान को एक करना। राजस्थान के 19 रियासतें और 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित देश और 2 अपनी जाट रियासतें थी, उन सब अलग अलग थी पहले, उनको उनको साथ किया गया, इसको क्या बोला गया, एकीकरण। अपने क्या किया गया, साथ। साथ कब होंगे, जब साथ फेरे लेंगे। कब साथ होंगे, जब साथ फेरे लेंगे। तो अब देखिए कुछ प्रमुख बातें हैं, वो थोड़ी सी आप याद कर लेना, कैसे कि एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में। ठीक है, रियासतें, अब रियासतें कितनी थी, 19 रियासतें, ठीक है। और भी ठिकाना, ठिकाना कितना, ठिकाने थे 3, कितने थे 3, कौन कौन से थे, देखिए एक था लावा, कौन सा था लावा। ठिकाने के अंदर देखिए कैसे, कुशलगढ़, कौन सा, कुशलगढ़। नए से नीमराणा, कौन सा आ गया, नीमराणा। तो लावा कहां पड़ता है, लावा पड़ता है टोंक के अंदर, कहां पड़ता है टोंक के अंदर। कुशलगढ़ कहां पड़ता है, बांसवाड़ा के अंदर, कहां पड़ता है, बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, अलवर का नीमराणा कहां पड़ता है, अलवर के अंदर, कहां पड़ता है, अलवर के अंदर। ठीक है, ये थी कुछ 7 चरण हुआ, 19 जैसे थे, ठिकाने के थे 3। उसके बाद देखिए एक था अपना केंद्र प्रशासित देश, कौन सा था, केंद्र प्रशासित देश, कौन सा था, अजमेर, कौन सा था, अजमेर। अजमेर क्या था, सी श्रेणी में आता था, कौन सी श्रेणी में आता था, सी श्रेणी के अंदर आता था। ठीक है, 2 थे अपनी जाट रियासतें, कौन सी थी, जाट रियासतें, कौन सी थी, धौलपुर और भरतपुर, कौन सी थी, धौलपुर और भरतपुर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इनको देख लेना आप, जैसे कौन से चरण कितने थे, कितने चरण में हुआ, 7 चरण में हुआ था। रियासतें कितनी थी, 19। ठिकाने कितने थे, 3। कौन कौन से थे, लावा टोंक में है, और कैसे, कुशलगढ़ कहा है, बांसवाड़ा के अंदर। नै से नीमराणा, नीमराणा कहा है, अलवर के अंदर है। ठीक है, एक था केंद्र प्रशासित देश, कौन सा था, अजमेर, अजमेर कौन सी श्रेणी का था, सी श्रेणी का था। 2 थे जाट रियासतें, जाट रियासतें कौन कौन सी थी, एक थी धौलपुर, एक थी भरतपुर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आयो अपना आगे, ठीक है, एकीकरण कितना चरणों में, 7 चरणों में। कितना है, 7 चरण, कितना लिया, 7 फेरा, कितना लिया, 7 फेरा। तो लिखो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 लिख दिया। अब की है कि एक बात सुनो, मेरा दोस्त रहे एमपी, खड़ रहे एमपी, तो मेरा दोस्त की हो, मेरे मिलन हो, ठीक है, मेरे दोस्त की है एमपी, हूं मिलन आने लग रहे, तो एमपी क्या मारे, वो ट्रेन बंद है, समझा नहीं है, तो एमपी मेरे दोस्त क्या पर आयो, बस मारे, एमपी से बस राजस्थान में आया। ठीक है, एमपी से बस राजस्थान में आई, ऐसे कर लो। ठीक है, तो मैं से मत्स्य संघ, कौन सा हो गया, मत्स्य संघ। पी से पूर्व राजस्थान, कौन सा, पूरा राजस्थान, देखते रहे याद हो, से संयुक्त राजस्थान, कौन सा, संयुक्त राजस्थान। बै से व्रत राजस्थान, व्रत राजस्थान। सह से संयुक्त व्रत राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान, राजस्थान। और छठो हो राजस्थान संघ, और वर्तमान में नाम था ध्यान है कि है राजस्थान, और अपना प्यारा सो राजस्थान। ठीक है, अब के ट्रिक ट्रिक वापस देखो, एमपी से बस राजस्थान आई, कहां आई, राजस्थान में आई, एमपी से बस राजस्थान आई। ठीक है, एम से मत्स्य संघ, क्या हुआ, एम से मत्स्य संघ। पी से पूर्व राजस्थान, सह से संयुक्त राजस्थान, सह से संयुक्त राजस्थान। वैसे व्रत राजस्थान, वैसे व्रत राजस्थान, सह से संयुक्त व्रत राजस्थान।
ठीक है, और फिर राजस्थान संघ और फिर राजस्थान नाम आ गया। ये थी अपने कुछ ट्रिक, जिससे क्या हुआ, क्या नाम लेते हैं, चरण याद किए, चरणों के नाम याद किए। अब इनके याद करते हैं तारीख, महीने और सन। क्या क्या याद करने अपने को, एक तो करनी है तारीख, फिर माह, फिर सन, ठीक है। अब मेरा दोस्त क्या था, बस में आ रहा था, क्या हुआ था, बस में आ रहा था, उसको बस के अंदर क्या मिल गया, एक लड़की मिल गई। क्या मिल गई, लड़की मिल गई। तो अब उसके साथ उसने नए मटके किए भाई, फिर मेरे दोस्त ने उससे नंबर मांगे, क्या किए, नंबर मांगे। उस लड़की के साथ कौन थी, उसकी मम्मी साथ थी। तो उसने क्या बोला, मैं नंबर एक बार दिखाऊंगी, बार बार नहीं दिखाऊंगी, याद करना तो याद कर लेना, ठीक है। तो लड़के ने भाई कोशिश की, मेरे दोस्त ने, ठीक है, लड़की ने दिखाया, नंबर क्या था, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। रुझी हो गए नंबर, कोई नंबर है, इसो है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। रट्टो ही मार लियो थे, बारी बारी कौन मिला वो, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। मिलाया ना, मिला को नहीं, अभी सोचो, बताओ के हो, लगा दो आगे, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। लगा दिया गया, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ठीक है। एक याद कर लिया अपना तारीख, अब हाँ महीना क्या याद करा, महीना याद कर लिया। दोस्त आ गए मेरे, उठा गई सागर भी मामो आए, मैं क्यों भैया आप आ गया, मैंने फोन मिला, फोन तो हुआ सुच चुप, मैंने मन कहानी बताई भाई, फोन हुआ सुच चुप, आप यहां करो, अपने मंजन कर लियो मामो से, मामा अम्मा मंजन करो, के करो, मामा अम्मा मंजन करो, ठीक है। माँ से मार्च, माँ से मार्च, फिर माँ से मार्च, ऐसे अप्रैल, ऐसे अप्रैल, फिर माँ से मार्च, फिर मई से मई, फिर जैसे जनवरी, जैसे जनवरी, फिर नैसे नवंबर, नैसे नवंबर, ठीक है। वापिस देखो, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो, माँ से मार्च, माँ से मार्च, ऐसे अप्रैल, माँ से मार्च, मई से मई, जैसे जनवरी, नैसे नवंबर, ठीक है। एक ही हो गया अपन, महीना याद हो गया, ठीक है। अब क्या करांगा, अब आंगा सन याद करांगा, सन किया याद करांगा, गिनती आ गई है सन, 3, 2, 1, 1 उल्टी लिखनी है, तो 3 बारी लिखांगा 48, 2 बारी लिखांगा 49, 1 बारी लिखांगा 50, 1 बारी लिखांगा 56। के लिखांगा 3 बारी तो लिखांगा 48, 2 बारी लिखांगा 49, 1 बारी लिखांगा 50, 1 बारी लिखांगा 56। तो 1900 में अपना संचालन 1948, ठीक है, 1948, 3 बारी लिखांगा 1948, के लिखांगा 3 बारी हो गए, ठीक है। बिंगाबाद आ जाओ, के लिखांगा 2 बारी 49, 1949, 1949, कितनी बार लिखांगा 2 बारी हो गए। तो 1 बारी लिखांगा 1950, फिर 1 बारी लिखांगा 1956, बड़ो सुख है गुरुजी, बहुत ही सुख है। देखो 3 बारी तो के लिखांगा 48 लिख दियो, 2 बारी के लिखांगा 49 लिख दियो, 2 बारी 49, 1 बारी लिखांगा 50, 1 बारी लिख दियो 50, 1 बारी लिखांगा 56 लिख दियो 56, ठीक है। आप आगे के लिए सात चरण याद कर लिया, बांगा महीना याद कर लिया, तारीख याद कर ली, सन याद कर लिया। अब की करना है, अब हम देखो चरण में क्षेत्र किसा किसा आया, क्या करिया, क्षेत्र किसा किसा आया और राह धनिया इन बनाई। अब आप आगे बात करना, आज मत्स्य संघ में किसा किसा क्षेत्र आया, इम आया गुरु जी, देखो ए बी सी डी सारा नहीं आवे, ए बी सी डी तो सारा नहीं आवे, प्लस करियो एन, एबीसीडी के बाद एन, एम अलवर, के ओ अलवर, बी ओ भरतपुर, सी ओ करौली, डी ओ धौलपुर, धौलपुर, एन ओ नीमराणा, एक ठिकाना होटल है, के ओ नीमराणा, एक ठिकाना, ठीक है, निमराणा कटा है अलवर में। तो
ए बी सी डी प्लस एन, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर, एक ठिकाना हो नीम राणा। ठीक है, अब इमें राजधानी की बनाई हो, राजधानी बनाई अलवर ने, गोलो मार लियो जेटा गोलो मारियो अपनी राजधानी। ठीक है, इन बस ए बी सी डी अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, अब ये बड़े रहने दो निचला मिटा लियो अपने, कोई दिक्कत को नहीं, ए बी सी डी आने याद रखे याद रहे। बाद आ गए पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान में किसो आयो, देखो भाई बाबू हो एक बाबू ने बुलायो के करनी है झाड़ू बढ़ानी है, अपन के करनी है झाड़ू बढ़ानी है, बाबू झाड़ू किको परसाटो, के करो बाबू झाड़ू किको परसाटो, बाबू झाड़ू किको परसाटो, बाबू झाड़ू किको परसाटो, बाबू झाड़ू किको परसाटो। ठीक है, प्लस कुशलगढ़। ठीक है, बिंग बाद आ जो बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, कैसे किशनगढ़, को से कोटा, पै से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, तो से टोंक। क्या हुआ, बाबू जड़ू किको परसाटो, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, कै से किशनगढ़, को से कोटा, पै से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, टो से टोंक, और एक रियासत कौन थी, कुशलगढ़। क्या थी, कुशलगढ़। ठीक है, कुशलगढ़ थी, और इसके अंदर राजधानी किसको मनाया गया, कोटा को, किसको मनाया गया, कोटा को, मान लो गोला। ठीक है, कोटा हो गया, अब आ जाओ आगे नेक्स्ट। ठीक है, भूल ना जाए बस, आई थानी याद रख सी। संयुक्त वर्ध राजस्थान में क्या हुआ, संयुक्त वर्ध राजस्थान में कौन कौन क्षेत्र आए, संयुक्त वर्ध राजस्थान ने क्या किया, पूर्व राजस्थान को अपने साथ अटैच कर लिया, पूर्व राजस्थान को अपने साथ इकट्ठा कर लिया, और इसमें क्या किया, उदयपुर को बुला लिया, उदयपुर दिया, जो उदयपुर जी का शर्त बढ़ाऊंगा किया कि मैंने राजधानी बनाऊंगा, तो उदयपुर ने क्या करिए राजधानी बना दी, क्या करिए राजधानी बना दी, पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर, क्या करियो मिना दी। ठीक है, उदयपुर ने क्या बना दिया, राजधानी बना दी। ठीक है, अब नेक्स्ट करो वृहद राजस्थान में, वृहद राजस्थान में क्या करना है, जे जे बी। ठीक है, के हो जे बी आयो, और बिंग बस आगे क्या एक अपनी लावा ठिकाणो, क्या आयो लावा ठिकाणो एडर। ठीक है जी, जैसे जैसलमेर। ठीक है, जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, बी से बीकानेर। अब यहां क्या हुआ, जे जे बी प्लस लावा एक ठिकाना था। ठीक है, जैसे जैसलमेर, जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, बी से बीकानेर, तो यहां चौथे चरण में क्या हुआ कि वर्ध राजस्थान में क्या हुआ कि यहाँ क्या क्या स्थाई, सभी को स्थाई रख दिया गया, जैसे राजधानी थी स्थाई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री या प्रमुख राजपूत उनको क्या किया, स्थाई रख दिया गया, बस ये चार चरण ही अपने को इम्पोर्टेंट है, ज्यादा तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये तारीख इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये यहां तक हो गए, उसके बाद क्या किया, जयपुर को इन्होंने क्या किया, राजधानी बनाई, जयपुर को राजधानी बना दी, क्या किया, जयपुर को परमानेंट ही राजधानी बना दी। अब आ जाओ संयुक्त वर्ष राजस्थान, संयुक्त वर्ष राजस्थान में क्या हुआ, 15 मई 1949, तो कौन सा चरण, ये पांचवा चरण, पांचवें चरण में कौन कौन से शामिल हुए जो अपने को याद रहेंगे, तो देखो 4 प्लस 1,
चार उड़े कितना हुआ पांच, ठीक है। अब पांचवा चरण में किसा किसा मिल गया शामिल होया सन याद ले जाओ, चार पांच किया हमारे यहाँ चार उड़े पांच, तो चार नंबर वाला किसो भरत राजस्थान, कौन सा था भरत राजस्थान, भरत राजस्थान प्लस नंबर एक पर कौन सा है मत्स्य संघ, कौन सा है मत्स्य संघ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार पूछा गया है मत्स्य संघ, ठीक है। भरत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को मिलाया गया जब जाके कौन कौन सा मना तो भरत राजस्थान बन गया, ठीक है। अब आयो नेक्स्ट, तो अब राजधानी थी यहाँ परमानेंट थी कौन सी थी जयपुर है, जयपुर चले गया आगे, ठीक है। उसके बाद आ गया राजस्थान संघ, इसके अंदर कुछ सिरोही का भाग, यहाँ सिरोही का भाग कुछ रह गया था, ठीक है। कौन कौन सा रह गया था आबू प्लस देलवाड़ा, ये क्षेत्र इसमें शामिल नहीं हुए थे, बाकी सिरोही क्षेत्र शामिल हो गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ सिरोही क्षेत्र में आबू में देलवाड़ा शामिल नहीं हुए, बाकी शामिल हो गए थे। नेक्स्ट आता है राजस्थान, राजस्थान कब संपूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को, इसके अंदर क्या हुआ आबू दिलवाड़ा शामिल कर लिए गए, अबू है दिलवाड़ा शामिल कर दिए गए, और क्या किया गया इसके अंदर अजमेर भी केंद्र शासित देश था अपना अजमेर इसके अंदर शामिल कर दिया गया, ठीक है। अब अपने देखते हैं इनके आगे, तो इनको देखो समझ आया एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ आपको, मत्स्य संघ में कौन कौन क्षेत्र कब बना 18 मार्च 1948 को बना, कौन कौन से क्षेत्र आए थे ए बी सी डी, सबको थी ए बी सी डी प्लस एन नीम राणा, ठीक है। एस अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर प्लस एन से नीम राणा, ठीक है। राजधानी कौन सी थी अलवर। नेक्स्ट आता पूर्व राजस्थान कब बना 25 मार्च 1948, कितने दिनों बाद बना 7 दिन बाद, ध्यान रखना 18 मार्च के 7 दिन बाद 25 मार्च बना, फिर पहले से तीसरा कितने 1 महीने बाद, कब 1 महीने बाद 18 मार्च 1948 और 18 अप्रैल, ठीक है 1 महीने बाद, ये ऐसे याद रखना। और इसके अंदर देखो बाबू जाड़ू किको बसाटो, बाबू जाड़ू किको बसाटो प्लस कुशल कटिचा, ठीक है। बांस से बांसवाड़ा, भू से बूंदी, जा से जलावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, पै से प्रतापगढ़, सा से सागढ़, टो से टोंक, वह कुशलगढ़ इसमें शामिल थी, ठीक है। संयुक्त राजस्थान कब 1 महीने बाद 18 अप्रैल 1948, इसमें क्या किया उदयपुर को शामिल कर लिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि तीसरे चरण की राजधानी कौन सी थी, तीसरे चरण की राजधानी कौन सी थी, उदयपुर में क्या दिखाई दे रहा है अपने को तीन, उदयपुर में क्या दिखाई दे रहा है तीन, तो उदयपुर अपने आप बता रहे तीसरे चरण की राजधानी हो, उदयपुर बता रहे अपने आप तीसरे चरण की राजधानी हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत राजस्थान कब आया 30 मार्च 1949 को आया था, कौन सा जे जे बी, इसमें एक कलाकार है जे जे बी, ठीक है। जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर प्लस बीकानेर में और एक लावा ठिकाना एड हुआ था यहाँ, ठीक है। उसके बाद संयुक्त भारत राजस्थान 15 मई 1949 तो इसमें कौन से क्षेत्र मिले थे 4+1 मतलब 5, चार पांच चरण कौन से मिले 4+1 मिले थे, तो चौथा चरण कौन सा था भारत राजस्थान था और पहला था मत्स्य संघ, इनको एड करके अपने को संयुक्त भारत राजस्थान मिला था। उसके बाद राजस्थान संघ में क्या हुआ सिरोही का कुछ भाग आबू बैदेलवाड़ा इसमें शामिल नहीं हुआ था और सिरोही क्षेत्र को ऐड कर दिया गया, ठीक है। राजस्थान एक राजस्थान का मना था इसके अंदर आबू 1956 के अंदर आबू बैदेलवाड़ा अजमेर अपना केंद्र प्रदेश था वो इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है दोस्तों। अब आपने इसमें करते हैं आगे की क्षेत्र की कार्रवाई, ठीक है। अब आप ये तो कर लियो, अब इनका उद्घाटन करता और प्रधानमंत्री और राजप्रमुख और उग्रवाद को देखा, ठीक है। तो उद्घाटन करता कौन करेटो की क्षेत्र को, तो आप बात करा आजकल छोटी सी दुकान करा दी रिपन काटा ना आज बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अब उद्घाटन करता कौन, तो बोर्ड ट्रिक है अपनी, ट्रिक है गोड गोड की जय बोल लो, क्या करो गोड गोड की जय बोल लो, बोलियो क्या करनी है गोड गोड की जय बोलनी है, सिर्फ इतना ही याद रखना गोड गोड की जय बोलो, गोड गोड की जय बोलो। तो गोड से एन वी गोड विल, क्या आया एन वी गोड विल, दूसरे चरण में एन वी गोड विल, दूसरे चरण में क्या आया भैया ये पहला संघ बने हो जद, तो जस्ट 7 दिन बाद ही तो होया, तो गोड विल जी अठी या अनकिन जो थे जया ना मार्ली बिलिपन काट दिया, ठीक है। एन वी गोडविल
नेक्स्ट आवे जे, जे किंग बोलनी है जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है क्या है जवाहर लाल नेहरू, एक अन्य जवाहरलाल नेहरू। तो किंग आवाज की है बोलो, बोलो से वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इसमें वल्लभ भाई पटेल के है, ठीक है गोड गोड की जय बोलो, गोड गोड की जय बोलो। तो गोड से एनबी गोडविल, फिर गोड से एनबी गोडविल, जय से जवाहरलाल नेहरू, बाय से बोलो किसकी वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया अपना उद्घाटन करता, फिर देखो प्रधानमंत्री करांगा, प्रधानमंत्री शोभा गोकुल के लिए, गोकुल के लिए मणि लेकर आया, जो कैसी थी हीरे के समान थी, के समान थी। शोभा गोकुल के लिए क्या लेके आया, मणि लेके आया, बार बार करो शोभा गोकुल के लिए मणि लेके आया, जो क्या थी हीरे की समान थी, शोभा गोकुल के लिए मणि लेके आया, जो क्या थी हीरे की समान थी, शोभा गोकुल के लिए मणि लेकर आया जो हीरे की समान थी, शोभा गोकुल के लिए मणि लेके आया जो हीरे की समान थी। अब शोभा होता है शोभा राम कुमावत, क्या होता है शोभा राम कुमावत, ठीक है। बिंगवाद गोकुल, गोकुल भाई, गोकुल भाई क्या है गोकुल लाल ऐसा, गोकुल लाल ऐसा, ठीक है। बिंगवाद मणि क्या लेके आया, मणि अंग अंग अर्थ निकलेगा, ठीक है मणि, माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री के शोभा गोकुल के लिए मणि लेके आया, जो क्या थी हीरे के समान थी। तो सो से शोभा राम कुमावत, गोकुल से गोकुल लाल असावा, और मणि से माणिक्य लाल, और जो की हीरे से हीरालाल शास्त्री, ठीक है। ये थी इनकी उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री। अब आप आगे देखा अंगराज प्रमुख और उपराज प्रमुख, ठीक है। अब आप आगे देखा के राज प्रमुख किसा गया, राज प्रमुख, राज प्रमुख की ट्रिक की है उबी गुमा, की है उबी गुमा। तो उदयभान सिंह, ऊ से उदयभान सिंह, उदयभान सिंह काम का राजा था, धौलपुर का था, कहां का राजा था धौलपुर का राजा था। बी से भीम से, भीम सिंह, भीम सिंह प्रथम था, भीम सिंह प्रथम कहां का राजा था कोटा का था, ठीक है। उसके बाद देखो भू, भू से भोपाल सिंह, क्या है भोपाल सिंह, ये राजा था उदयपुर का, ठीक है। उसके बाद था मां, मां से मान सिंह सेकंड, कहां का था जयपुर का, ये आजीवन काल मना रहा था राजा, ठीक है। यहां वैसे चार या इसके बाद तो सब फिक्स ही हो गया था, ये सबके बाद ये रहने जी उद्घाटन करता थे, उसके बाद कोई उद्घाटन करता नहीं थे, और राजधानी जयपुर बन गई थी, ठीक है सब यहां तक था। और ये हो गया उद्घाटन करता हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राजप्रमुख हो गए, कुछ इंपोर्टेंट पर्सन रह गए जो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है सर। धन्यवाद, आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक व शेयर जरूर करें, धन्यवाद।